साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उत्कृष्टला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। डॉक्टर की राय पर ही दिव्यांग की यात्रा पर एयरलाइंस लेंगी फैसला। डीजीसीए ने नए नियमों का मसौदा किया तैयार। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर फिर लगी आग। चारों तरफ फैले धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, संरक्षित जंगलों के इको सेंसिटिव जोर का दायरा होगा 1 किलोमीटर। मुख्य वन रक्षक को दिए गए संदेश। कर्नाटक में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचना छात्रा को पड़ा भारी। प्रिंसिपल ने किया सस्पेंड, 6 छात्राओं को किया गया था निलंबित। मस्जिद विवाद के चलते श्रीरंगपटना शहर में धारा 144 लागू। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। किरंगूर जंक्शन पर जुटे हिंदू संगठनों के सदस्य मस्जिद में पूजा करने का किया है आह्वान। आईएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देखी सम्राट पृथ्वीराज, कहा अब हम भारतीय नजरिए से देख रहे इतिहास। कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर्स की हुई पहचान, सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने हिजबुल आतंकी को किया ढेर, 3 जवान और 1 नागरिक भी जख्मी। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जेट कैटेगरी की सुरक्षा लेने से किया इनकार, केंद्र को दिया जवाब। दिल्ली बीजेपी का मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप, 2000 करोड़ का किया गया हेरफेर। घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। धोखाधड़ी कर गेहूं निर्यात की कोशिश करने वालों को मिलेगा कड़ा दंड, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चेताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद नायक प्रवीण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। भारत में मंकी पॉक्स की दस्तक, 5 साल की बच्ची में मिले लक्षण, जांच के लिए भेजा सैंपल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा स्थानीय स्तर पर प्रसार के संकेत, रखनी होगी निगरानी। अलीगढ़ में फल फूल रहा ओवरलोडिंग का कारोबार, धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोडिंग ट्रक, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। औरैया में रात्रि गश्त कर रही पुलिस पर हमला, ग्रामवासियों ने पुलिस को बनाया निशाना। बुलंदशहर में शातिर अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एटा में सांसद राजवीर सिंह ने की प्रेस वार्ता, केंद्र सरकार की 8 साल की गिनाई उपलब्धियां।
गाजियाबाद में बिजली घर का सबसे बड़ा खुलासा, घूस लेते कैमरे में कैद हुआ पूरा बिजली घर। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल। हरदोई में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, सड़क किनारे लगे नलों को हटाया जा रहा, अधिशासी अधिकारी की कार्रवाई पर उठे सवाल। हरदोई में गांव में लगा गंदगी का अंबार, महीने से गायब है पंचायत के नियुक्त सफाई कर्मी। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी नाराज, दो समुदायों में जमकर विवाद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। मैनपुरी में पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन, प्रतियोगिता में 176 खिलाड़ियों ने लिया भाग। संभल में अस्पताल में भीषण अग्निकांड, आग की चपेट में दो मंजिला इमारत, तो फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। संभल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 54 ग्राम पंचायत बनेगी मॉडल, सभी योजनाओं और निर्माण कार्यों को ग्राम पंचायतों में प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। एटा में रंगरलिया मनाते हुए दिखे ग्राम विकास अधिकारी, महिला आरक्षी के साथ कार में मिले अधिकारी, अधिकारी को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर में उपद्रव के पीछे पीएफआई कनेक्शन की भी आशंका, मुख्य आरोपी तहयात जफर हाशमी अब तक फरार। मर्चेंट चैंबर के समारोह में उद्यमियों से मिले राष्ट्रपति, सामूहिक फोटो भी खिंचवाई, राष्ट्रपति की उद्यमियों से अपील, पर्यावरण के अनुकूल ही स्थापित करें नए उद्योग। मेरठ में याकूब कुरैशी पर कसा शिकंजाल, फहीम से जुड़ी सभी मीट फैक्ट्री होगी बंद, कुर्की की तैयारी शुरू। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजन और भोग के लिए अड़े, पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। यूपी के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में संसाधन बढ़ाने की तैयारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चार बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट। बाग गली तक हो रहा था पथराव, सिपाही मुस्तफा ने जान की परवाह किए बिना अकेले लिया मोर्चा। सामान्य से ज्यादा तापमान, आगरा यूपी का चौथा सबसे ज्यादा गर्म शहर, मौसम विभाग ने हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। आगरा में लंबे समय बाद बिल्डर पहुंचा हवालात में, नहीं चुका रहा था बकायेदारी, फ्लैट बेचने के नाम पर बिल्डर ने धोखाधड़ी की थी। सीएम योगी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, नौकायन का भ्रमण कर देखी तैयारियां। मेरठ के मवाना में टैक्सी चालक की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने दो आरोपी हिरासत में लिए। अलीगढ़ में भीषण गर्मी में आम लोगों को चुभ रहा बिजली कटौती का नश्तर, मौजूदा हालत में सब है त्रस्त। इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी बीमा की धनराशि, आगरा में उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला।
बसपा प्रमुख मायावती ने कानपुर में हुई हिंसा को बताया पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता, उत्तेजक भाषणों से बचने की अपील। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा को बताया दोषी, तो ब्रजेश पाठक बोले अपराधियों को पालती नहीं पलायन कराती है योगी सरकार। लखनऊ के लिए अच्छी खबर, 45 प्रोजेक्ट में होगा निवेश, मिलेंगे रोजगार, उद्योगपति और बड़े व्यापारियों ने निवेश करने के लिए सहमति जताई। पहली बार दिल्ली की राजनीति में पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अब मेरठ से हवाई उड़ान और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दों को मिलेगी नई आवाज। यूपी इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी बोले भारत अब आत्मनिर्भर, विदेश नहीं आएंगे। विशेष विमान से उत्तराखंड लाया गया बलिदानी प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर, अंतिम यात्रा के लिए गांव में उमड़ा हुजूर। उत्तराखंड में सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा रद्द, गलत निकले 400 प्रश्न, 662 पदों के लिए 23,000 ने किया था आवेदन। आस्था पथ पर दिल पड़ रहा कमजोर, एक महीने में 124 श्रद्धालुओं की हो चुकी है हृदयघात से मौत। उत्तराखंड के मैदानों में लू, पहाड़ों में ओलावृष्टि की चेतावनी, मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक बोले धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा उत्तराखंड। देश को पानी पिलाने वाला उत्तराखंड जल प्रबंधन में पिछड़ा, प्रदेश के कई जिलों में पानी की भारी किल्लत है। भीषण गर्मी से उत्तराखंड में लोग बेहाल, मौसम विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। चंपावत में मिली ऐतिहासिक जीत पर झूमे भाजपा, प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए जोरदार आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों की थाप पर मनाया जश्न। से लेकर प्रदेश इकाइयों में युवाओं को मौका, प्रदेश कांग्रेस गठित करेगी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी। संस्थापक ने कहा अर्थव्यवस्था पर होगा हमारा फोकस, जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता प्रदान करना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान विषय पर डॉक्टर अनिल जोशी ने अपने विचार रखे। डॉक्टर के आर जैन बने डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने सेनावृत्त होने पर दी बधाई। जिसके जीवन में संत आ गए समझो वसंत आ गया, स्वामी चिनानंद सरस्वती महाराज का जन्मदिवस समारोह में बोले लोकसभा अध्यक्ष। विकास को मिलेगी गति, राजनीतिक मोर्चे पर चुनौती, चंपावत में रिकॉर्ड तोड़ जीत से प्रदेश और भाजपा सरकार को मिलेगा नया विश्वास। चुनौतियों से लड़कर किया लक्ष्य हासिल पदक विजेता, एसीसी कैडेट सैन्य परिवार से रखते हैं ताल्लुक, बचपन से था सपना। ब्राजील में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या हुई 128, कई राज्य भारी बारिश से तबाह, नगर पालिकाओं ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया है।
चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बुलेट ट्रेन हुई डिलेर, चालक की मौत, कई लोग हुए घायल। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हादसे का शिकार हुई न्यूज एजेंसी रायटर की गाड़ी, ड्राइवर की मौत, पत्रकार घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप, 1 साल तक की हो सकती है सजा। पाकिस्तान में आसमान छू रही ईंधन की कीमतें, नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप में की तोड़फोड़, लरकान में टायरों में लगाई गई आग। पाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल, उड्डयन कर्मचारी ने गधा गाड़ी रखने की मांगी अनुमति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा बाहरी ताकतें खराब कर रही सीरिया के हालात, भारत ने हमेशा की मानवाधिकार कानून उल्लंघन की निंदा। अब तक सबसे अधिक आधुनिक मानव रहित जहाज बना रहा चीन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया सेना से सुधा। इजराइल ईरान विवाद के बीच ईरान के एक और कर्नल की मौत, इजराइल ईरान के बीच चल रहा विवाद काफी पुराना। यूक्रेन युद्ध के 100 दिन, डोनबॉस के सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे के करीब रूसी सेना। सरकार की दो टूक, होटल और रेस्टोरेंट नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज, इस तरह की अवैध वसूली से रोजाना लाखों उपभोक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। आरबीआई ब्लॉक स्तर पर चलाएगा वित्तीय साक्षरता अभियान, गरीब जनता को बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलना होगा सुनिश्चित। सरकारी उपायों से गेहूं, खाद, तेल और आटे की कीमत पर लगी लगाम, निर्यात प्रतिबंध का भी दिखा असर। भारतीय निर्यात में जारी रहेगी बढ़ोतरी, चीन से आपूर्ति बाधित होने और यूरोप में उथल पुथल का मिलेगा लाभ। एथर इंडस्ट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त लिस्टिंग, 21% की तेजी के साथ शेयर कर रहा ट्रेंड। $30,000 के नीचे पहुंचा बिटकॉइन, इसमें 0.12% की गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से $31,000 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। सर्विस सेक्टर में हो रही बंपर भर्ती, मई में 40% बढ़ी नियुक्ति, ट्रैवल सेक्टर सबसे आगे। '22 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर मिलेगी 8.1% की ब्याज दर, ईपीएफ दर 1977 के बाद सबसे कम। $12 मिलियन कोयला आयात करने को तैयार रहे सीआईएल, सरकार ने दिए निर्देश, देश के कई हिस्सों में कोयले की कमी के कारण बिजली गुल हो गई थी। मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को छोड़ा पीछे, फिर से बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, मुकेश अंबानी कई क्षेत्रों में करते हैं कारोबार। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव का चौंकाने वाला बयान, 5 साल तक खेला जाए या नहीं बताना मुश्किल। अर्जुन तेंदुलकर पर कपिल देव का बयान, अगर 50% भी पिता जैसा बन पाए तो बेहतर होगा।
स्कॉटलैंड के कप्तान काइल क्विटजर ने किया कप्तानी छोड़ने का ऐलान। काइल क्विटजर ने 9 साल बाद छोड़ी टीम की कमान। लियाम लिविंगस्टोन से जुड़ा स्टेडियम पार छक्का, निर्माणाधीन इमारत के बिल्डर ने लौटाई गेंद। पता नहीं कितने लंबे समय तक गेंदबाजी करेगा पूर्व कप्तान ने हार्दिक पांड्या के फिटनेस पर चिंता जताई। न्यूजीलैंड की जबरदस्त वापसी, इंग्लैंड पर बनाई 227 रन की बढ़त। टॉम ब्लिंडसेल 12 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर खेल रहे थे। चौसे रन बनाने के बाद इंग्लैंड के 7 विकेट हुए ढेर। सऊदी और बोल्ड की घातक गेंदबाजी, न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने पहली पारी में महज 130 रन ही बनाई। सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलेगा, उमरान मलिक के सवाल पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का जवाब। टोडोस में आग उगल रहे तेज गेंदबाज, टीम सऊदी और ट्रेड बोल्ड दूसरे दिन लंच तक गिरे 23 विकेट। पाकिस्तान तेज गेंदबाजों पर बोले विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, अच्छा लगता है जब इंग्लैंड के खिलाफ हमारे बॉलर्स की तारीफ करते हैं। शहनाज गिल के स्टाइल में उड़न, पटोलाज का टेलर लॉन्च, 4 दोस्तों की अतरंगी कहानी है अमेज़न की नई सीरीज। तीसरे सीजन के साथ बाबा निराला के भक्तों के लिए जबरदस्त तोहफा, एमएक्स प्लेयर ने जारी किया आश्रम 4 का टीजर। जलती चिता के सामने मुस्कुराते नजर आए केके के बेटे और पत्नी, तस्वीरें देख लोगों ने जमकर सुनाई खरी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने शेयर किया शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर, बोले भाई रेडी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर आउट, जख्मी हालात में नजर आए एक्टर, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं शाहरुख, पसंद कर रहे हैं। अक्षय कुमार पर भारी पड़े कमल हसन, फिल्म विक्रम के पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई, विक्रम के सामने दोनों ही फिल्में सम्राट पृथ्वीराज और मेजर पानी भरती नजर आ रही है। एक्टर शाहरुख खान ने किया डॉग मैन को कॉपी टीजर, देख फैंस हुए कंफ्यूज, शाहरुख खान के सिर पर पट्टियां बंधी हुई है। आईफा के ग्रीन कॉर्पेट पर जलवा बिखेरते हुए नजर आए ये कलाकार, यूयो हनी सिंह, अनन्या पांडे और सारा अली खान ने बांधा समा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बोले मीका सिंह, कहा पंजाब के कई गायकों को गैंगस्टर से मिली है धमकी। दर्शकों को पसंद आई अदिति शेष की मेजर फिल्म, देख भावुक हुए शहीद संदीप, उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स अदीवी के गले लगी मां। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।